औलाद वा वा की, की। अल्लाह ने बाप की कसम और उसकी औलाद की कसम फरमाई अजीज़ दोस्तों बाप की कसम क्यों इर्शाद रबुल्जत तो फरमाई इस वास्ते के दुनिया आम तौर पर माँ को याद करती है माँ के एहसान घनाती है माँ की मोहब्बत का बार बार बरमला इजहार करती है अजीज़ दोस्तों मगर बाप को दुनिया फरामोश कर देती है माँ और बाप में फ़र्क़ क्या है माँ को बतलाना आता है कि वो किस कदर मोहब्बत करती है बाप बचपने में तो बतलाता है कि वो किस कदर प्यार करता है मगर बेटा जों जू बड़ा होने लगता है बाप और बेटे के दरमियान एक डिस्टेंस बनता है मोहब्बत के बावजूद भी अब वो इजहार नहीं कर सकता वो बता नहीं सकता वो लपटा नहीं सकता वो वो मोहब्बत रखते हुए भी दिल में बार बार बोल नहीं सकता कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो अजीज़ा ने गिर कदर अल्लाह रबुल्ज़त ने माँ की कसम नहीं खाई अल्लाह रबुल्ज़त ने वाल की कसम खाई अल्लाह रब्ज़त ने बाप की अहमियत को जाकर फरमाया व वालन व माँ वालद बाप की कसम और उसकी औलाद की कसम अजीज़ दोस्तों यहाँ पर जितने हज़रा के पास बाप मौजूद हैं अज़ीज़ आने आराम कदर माँ अगर फल देती है तो बाप सायादार दरख्त है अज़ीज़ दोस्तों फल का मज़ा उसी वक्त आता है जब सर पर साया हो धूप की तपिश में कोई फल मज़ा नहीं दिया करता अजीज़ आने गिराम क़दर बाप सा दरख्त होता है बोलता कुछ नहीं है अजीज दोस्तों बोलता कुछ नहीं है अपनी जबान से मगर फिर बाप बाप होता है अजीज आने ग्राम कदर दिन दिन भर वो पसीने में शराब और काम करता रहता है क्यों आप देखें ये ऑटो चलाने वाले ये रिक्शा चलाने वाले ये बंडियाँ ढकेलने वाले अजीज़ा गिराम क़दर बसों में धक्के खाने वाले अजीज़ दोस्तों पैदल खुद चल कर बच्चों को गाड़ियों में भेजने वाले अजीज़ ने गिराम क़दर कैसी कैसी सेक्रीफाइस उनकी होती हैं बापों की कुर्बानियाँ क्या क्या होती हैं अपने बच्चों से दूर तड़प तड़प तड़ कर रह जाते हैं सीने से लगा नहीं सकते क्यों ताकि बच्चों का फ्यूचर बने ताकि बच्चे तरक्की कर सकें अज़ीजान ग्रामी कदर बाप को आमतौर पर लोग इग्नोर करते हैं और बाप को आमतौर पर लोग फरामोश करते हैं और बाप की अहमियत को लोग तस्लीम नहीं करते जबकि हकीकत यह है कि माँ माँ अगर शान वाली है तो बाप भी कुछ कम शान वाला नहीं है अजीज़ आने गिराम कदर बहुत से लोगों को ये तो नज़र आता है कि माँ ने अपनी गोद में उठाया हुआ है मगर ये नहीं नजर आता कि माँ को और उसकी औलाद को संभालने वाले को बाप कहते हैं अजीज दोस्तों वा वा दिन इसीलिए अल्लाह रबुल्जत ने ये एक आयत में बाप की अज़मत पर चार चांद लगा दिए इशाद फरमाया बाप जो है वा वा दिन मैं कसम खाता हूँ बाप की अजीज़ आने गिर बाप की वाल की अजमत में अल्लाह ने चार चाँद लगाए ए बाप बनने वाले अगर तो इ, अगर कोई तेरी अजमतों का इकरार नहीं करता अगर तुझे कोई अप्रिशिएट नहीं करता अगर कोई तेरी खिदमात को सराहता नहीं है ऐ बाप बनने वाले अगर कोई तेरी खिदमात को फील नहीं करता मायूस ना होना अगर कोई तेरा इकरार नहीं करता न करे वाल दिन वमा वलत कोई माने ना माने तेरा रब तेरी कसम खाकर तेरी अजमत में चार चांद लगा रहा है वाल कसम है बाप की अब जितने हमारे सीरियल देख हमारा प्रोग्राम देखने वाले और लाइव स्ट्रीमिंग देखने वाले नौजवान हैं मैं उनसे कहूँगा आपके अगर बाप जिंदा है अजीज दोस्तों बाप जन्नत के दरवाजों में से बीच का दरवाज़ा है जन्नत का दरवाजा है का मतलब क्या बाप खुश तो इंसान को जन्नत मिल गई लाख गुना उसके हों बाप अगर राज़ी हो जाए फिर अल्लाह इज़्ज़त उसको जहनमी रहने नहीं देता बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाला वो जहन्नमी नहीं रहता वो जन्नती बन जाया करता है मेरे दोस्तों हमारे हमारे इस जमाने का सबसे अफसोसनाक मरहला ये है सबसे अफसोसनाक बात यह है कि बेटा बेटा बनने के बाद अपने दोस्तों को टाइम देता है अपने चाहने वालों को टाइम देता है उनके साथ घंटों गुजारता है उनके साथ बैठकें करता है उनके साथ खाने खाता है उनके साथ गपशप करता है उनके साथ सस्ता बोलता है और आप देखेंगे बेटा बन जाने के बाद वो इंटरनेट को टाइम देता है वो फेसबुक को टाइम देता है वो व्हाट्सएप को टाइम देता है वो स्नैपचैट को टाइम देता है वो इंस्टाग्राम को टाइम देता है अजीज़ा निगरामी कदर वो अपने ई मेल चेक करता है अजीज दोस्तों वह सब कुछ करता है सबको टाइम देता है दोस्तों को मिलने जुलने वालों को बस्ती वालों को अजीज

उसका कोई पुरसान हाल नहीं होता बहुत सी सूरतों में बीवी भी, भी, भी जुदा हो जाती है भाई मर रहे होते हैं बहनें मर रही होती हैं कजिन जुदा होने लगते हैं दोस्तों के रोजाना जनाजे उठ रहे होते हैं इंसान अपने आप को तनाफिल करने लगता है कौन सा आ रहा अजीज दोस्तों इस मौके पर बेटे की जिम्मेदारी क्या होती है बेटा क्या कर रहा है बेटा दोस्तों के साथ बैठे गपशप कर रहा है टाइम पास कर रहा है अजीज दोस्तों क्या है ये बाप की कदरदानी है अजीज़ दोस्तों क्या है बाप की कदरदानी है